इसके बाद 79 केजी, 79 केजी में अब्दुल्ला ब्रांच मेडल, सुनील पहलवानों के साथ, पूज्य महाराज सिंह के साथ फोटो। ये नई पीढ़ी पूज्य महाराज सिंह का आशीर्वाद प्राप्त करके उत्साहित होगी, ये आशीर्वाद उन्हें ताकत देगा। प्रदेश ने भी इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है। अभी हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के खिलाड़ियों को, जिन्होंने ओलंपिक में देश के लिए प्रदेश की ओर से भागीदारी करके पदक प्राप्त किया, ऐसे अपने खिलाड़ियों को 6 करोड़ 45 लाख रुपए का नगद पुरस्कार हम लोगों ने वितरित किया। मैं इस अवसर पर आप सबको बताना चाहता हूं कि प्रदेश में पुरुषों के लिए लक्ष्मण पुरस्कार और महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, जिसमें प्रत्येक पुरस्कार में 3,11,000 रुपए की राशि हम उस होनहार खिलाड़ी को देते हैं जो इस पुरस्कार के हकदार होते हैं, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश की ओर से जो लोग प्रतिभाग करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं, ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले को 6 करोड़, रजत प्राप्त करने वाले को 4 करोड़ और कांस्य पदक वाले को 2 करोड़ रुपए, ऐसे खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि हम लोग प्रदान करते हैं। तो राष्ट्रमंडल और एशियन गेम में जो खिलाड़ी वहां पर स्वर्ण पदक प्राप्त करते हैं उन्हें 50 लाख, रजत पदक पर 30 लाख और कांस्य पदक पर 15 लाख की राशि हम लोग उन सभी खिलाड़ियों को देते हैं। ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिभाग करने पर भी 10 लाख रुपए हम उस खिलाड़ी को प्रदेश सरकार की ओर से देते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल और एशियन गेम में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को हम लोग 5 लाख रुपए की नगद राशि प्रदेश सरकार की ओर से भी हम उन सभी खिलाड़ियों को प्रदान करते हैं।